Hey everyone, good morning. This is Paulami and welcome to my channel Bifocal जिंदगी. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो. मैं भी अच्छी हूँ. सो सुबह सुबह एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ. और मॉर्निंग का टाइम है तो पहले किचन में आई, फिर सारा बर्तन वगैरह अपने जगह पे रख दिया और अभी पहले गैस चढ़ा के ना मोनूजीत को लंच में जो देना है उसको मैं गरम कर रही हूँ. कल रात को ही बना के रख दिया था तो उसी को मैं अभी थोड़ा सा गरम होने के लिए रख दी हूँ. और एक तरफ मैं अभी चावल निकाल रही हूँ, राइस बनाऊँगी. मोनूजीत राइस और वो करी लेगा लंच के लिए. तो अभी चावल को अच्छे से वॉश करके एक साइड में चावल भी बिठा दूँगी, बनता रहेगा वो तो जल्दी हो जाएगा. राइस बन रहा है और करी भी गरम हो ही चुका है. तो अभी मैं आई हूँ, यहाँ से ब्रेड ले रही हूँ और एक एग लूँगी. मैं आज टोस्ट बनाऊँगी, एग टोस्ट ब्रेकफास्ट के लिए. तो ये आसान भी होता है बनाना और टेस्टी भी होता है. मनोजीत को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसलिए सोच रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में यही बना दूँगी. तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, करी वगैरह गर्म हो गया है तो पहले उसका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ. मैं अच्छे से लंच बॉक्स पैक करके रख दूँगी, नहीं तो बाद में ना कभी कभी भूल भी जाती हूँ और एंड मोमेंट पे जब वो निकलने वाला होता है तब याद आता है. इसलिए मैं पहले ही ये सब काम अभी करके रख देती हूँ. तो इस ऐसे टिफ़िन में डाल के और डाइनिंग टेबल पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी तो ये थोड़ा ठंडा होके रहेगा. तो जाते टाइम इसको पैक करके दे दूँगी तो ख़राब भी नहीं होता है खाना. नहीं तो अभी तो गर्मियाँ आ चुकी है ना, तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ. तो यहाँ पे एक बाउल पे राइस और एक टिफ़िन में जो करी है वो डाल के मैंने पैक कर दिया और अभी इसको डाइनिंग टेबल पे रख के आ गई हूँ. अभी एक बाउल पे मैं यहाँ पे अंडा ले ली हूँ. अंडा का उसमें हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा फेंट लूँगी और उसके बाद ब्रेड को उसमें डुबो के जो हमारा सिंपल सा एग टोस्ट होता है वो बनाऊँगी. और एक तरफ देखिए मैंने सॉसपैन भी रख दिया है, पानी दे के चाय बनाऊँगी. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. सुबह सुबह आपसे फिर से मिल रही हूँ मैं और अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट. मैं भी मनोजीत के साथ ही ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ क्योंकि भूख लग गया है. पता नहीं आज क्यों, नहीं तो मैं थोड़ा लेट से करती हूँ लेकिन आज भूख लग रहा है तो साथ में ही कर ले रहे हैं. और अभी तो ब्रेकफास्ट करके मनोजीत निकल जाएगा. गर्मी बहुत हो चुका है मुंबई में, देखिए मुझे पसीना आ रहा है. मतलब काम करने जाओ तो गर्मी, फैन के नीचे रहो तो ठीक है. तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं. आज एग टोस्ट बनाया है और साथ में है चाय. तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट है. मनोजीत का लंच भी मैंने पैक कर दिया है और चलिए मनोजीत से मिलवा देती हूँ आपको. सबको हाय बोल दो थोड़ा. हाय गाइस, कैसे हो? सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ता है यार, बहुत मतलब हेक्टिक जॉब है. बर्तन ऑफिस तो जाना पड़ेगा. मैं तो कैसे हो, तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ. सुबह इतने सुबह खाने का दिल भी नहीं कर रहा, फिर भी बीवी ने बना के दिया तो खाना पड़ेगा. अरे नहीं खा के जाओगे तो लंच कब है? बहुत टाइम है लंच का, थोड़ा खा के जाओ. और मैंने सोचा आपसे मिलवा देती हूँ, इससे तो वरना मिलना नहीं होता, ऑफिस में ही रहता है. होपफुली आप लोग अच्छे हो, खुश हो और मजे में रहो. चाय पियो सुबह सुबह और काम करो. चलो
मनोजीत ऑफिस चला गया ब्रेकफास्ट करके, और उसके बाद काफ़ी देर में थोड़ा बाकी दूसरा काम कर रही थी, जैसे वार्डरोब को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना था, ये सब काम कर रही थी। और अभी काफ़ी 11:30 बज रहा होगा, अभी आई हूँ किचन में मैं, कि सोचा कि जितना भी बर्तन गंदा हुआ है वो सब पहले साफ़ कर लेती हूँ, और ये काम छोड़ के मैंने सोचा कि पहले वो सब कर लेती हूँ, इसलिए आज किचन में आने में लेट हो गया। तो अभी बर्तन वगैरह धो लिया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना बैंगन कट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा अपने लिए बैंगन भाजी करूँगी, मन कर रहा है आज खाने का, नहीं तो मैं कम ही बनाती हूँ ये सब चीज़। दोपहर में मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, मन नहीं करता है मुझे, तो जो बना हुआ रहता है वही खाती हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैंगन भाजी करूँगी, और दूसरा वाला कारी तो है ही लंच के लिए, तो वो उससे मेरा हो जाएगा। तो ये बैंगन भाजी सिंपल सा जस्ट हल्दी नमक डाल के, जो एक बैंगन भाजी होता है ना छोटा छोटा बैंगन को काट के, वही वाला मैं बना रही हूँ अभी। बैंगन भाजी हो गया है मेरा, तो अभी आई हूँ इस रूम में। इस रूम का जो बेडशीट है उसको आज चेंज कर दूँगी, काफ़ी दिन हो चुका है तो मुझे लगता है अभी चेंज कर देना चाहिए। वैसे ये सब बेड्स गंदा कम ही होता है, क्योंकि घर पे तो सारा दिन सिर्फ मैं ही रहती हूँ, मनोजीत तो ऑफिस में ही रहता है इसलिए, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे इस बेडशीट को निकाल के अभी ये नया वाला बेडशीट मैं डाल दूँगी, नया नहीं मतलब धोया हुआ बेडशीट। तो अभी ये काम करके उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। हे एवरीवन, अभी दोपहर का टाइम है, मेरा घर का सारा काम हो गया, नहा के भी आ गई और अभी करूँगी लंच। थोड़ा लेट ही हो गया सब कुछ करते करते, तो अभी लंच करूँगी और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में आज क्या क्या है। इधर टीवी चला दिया है मैंने, थोड़ा टीवी देख देख के फिर लंच करूँगी सोच रही हूँ, अकेले नहीं तो क्या करूँ। तो ये देखिए लंच में एज यूजुअल राइस तो है, थोड़ा सा राइस मैंने लिया है और बैंगन भाजी थोड़ा सा मेरे लिए किया है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये करी है, मसूर दाल का पकोड़ा बना के फिर उसका करी बनाया है, मनोजीत के लंच के लिए बनाया था तो मैंने भी अपने लिए रख दिया। तो देखिए कितना ये ना बहुत टेस्टी होता है ये डिश, पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है। तो दिस इज़ माई लंच। खाना खाने के बाद आज थोड़ा रेस्ट की, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह किया, और अभी 5 बज रहा है करीब, और मैं जा रही हूँ अभी किचन में कुछ बनाऊँगी। एक्चुअली लास्ट संडे मनोजीत बनाना खरीदा था, लेकिन हम लोग तो पहले पहले 2 दिन खाए लेकिन उसके बाद और खाना नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हुआ बनाना, आप देखना लाके अगर रखोगे तो 2-3 दिन बाद ही वो काला पड़ने लगता है और ज़्यादा दिन रहता नहीं है, तो थोड़ा वो वैसा हो गया है ना, तो
ऐसे खाने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं ना उसको थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा सूजी डाल के एक पीठा टाइप बनता है, मालपुआ टाइप आप बोल सकते हो, तो वो बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो सोच रही हूँ अभी शाम का टाइम है, अभी बना देती हूँ, क्योंकि बाद में तो मुझे डिनर वगैरह बनाना है, तब टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी ये बना के रखती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है और बीच बीच में खा भी सकते हैं, जब भूख लगता है ना तो क्या खाए क्या खाए, तब ये बना हुआ रहेगा तो खा भी सकते, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी बना देती हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। केले का मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैटर बनाया है, जिसके लिए मैंने 3 केला लिया है, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप मैदा और स्वाद अनुसार चीनी, और इन सब को मिला के ऐसा एक बैटर बना लिया है। बस उसके बाद कुछ नहीं, तेल गरम करके उसमें छोटा छोटा करके ऐसे ये बैटर को डाल देना है और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ईजी है और खाने में उतना ही टेस्टी, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके घर में केला ऐसे ख़राब हो रहा है तो आप ज़रूर इसको ऐसे बना के ट्राई करना, बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स होता है। तो देखते ही देखते देखिए मेरा सारा बन गया है, बहुत सारा बना है 3 बनाना से। देखिए पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, इतना गर्मी पड़ चुका है ना अभी कि क्या बताऊँ मैं। तो अभी तो क्या करूँगी, अभी थोड़ी देर बाद निकलूँगी बाहर वॉक के लिए, जो जाती हूँ वो जाऊँगी, और एक अच्छा खासा स्नैक्स बन गया, मैं जब भी मन करेगा खा सकती हूँ, और बनाना भी वेस्ट नहीं हुआ, हो बन गया। तो आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको बना के खाना, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ, कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाई को जिंदगी।